हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार में शिक्षा की भर्ती अपार यानी बड़े स्तर पर होने वाली है और इसको लेकर बीपीएससी भी तैयार है। बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा अभी कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया गया है और ये ट्वीट आपको समझना चाहिए, क्योंकि बिहार में अब सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। अब क्वालिटी एजुकेशन किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ पढ़ाना मैटर नहीं करता है बल्कि बच्चे समझें और आगे उसको संचारित करें, बताने लायक हो जाए। अब एजुकेशन के नाम पर जो दिया जा रहा था या फिर बताया जा रहा था, उसमें परिवर्तन की बात की जा रही है और अब इसी परिवर्तन को लेकर बीपीएससी एग्जाम के द्वारा शिक्षकों की भर्ती करने वाला है और उसको लेकर सारी तैयारियां लगभग आपको एक महीने में पूरा हो जाएगा, यानी आपका अगला एक महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी मंथ के लास्ट तक आपको पूरा सिलेबस पता चलने वाला है। तो अब जो इनका ट्वीट है वो समझने वाला चीज है, क्या कहते हैं ये। कहते हैं जस्ट लाइक राइट टू लिव, जैसे जीने का अधिकार है, मींस राइट टू लिव विथ डिग्निटी, यानी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। सिर्फ जीना नहीं, आपको जीता तो जानवर भी है लेकिन इंसान क्या है, सम्मान के साथ जीता है, ये बहुत बड़ा बात है। उसी तरह शिक्षा का अधिकार का अर्थ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी अब जो आपको राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है उसमें क्वालिटी एजुकेशन को समाहित करने की बात ये कर रहे हैं। और ये किसकी तरफ इशारा है, तो दो तरफ इशारा हो सकता है। हो सकता है ये आपके संदर्भ में बात कर रहे हो कि भाई आप एजुकेटेड मत होइए, लिटरेट सिर्फ मत होइए, क्वालिटी वाला एजुकेशन खोजिए, क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़िए। और ये एजुकेशन आपको कौन देगा, एक बेहतर शिक्षक देगा। शिक्षक अब प्राइमरी जो टीचर होते हैं आपके माँ बाप होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, लेकिन सेकेंडरी टीचर जो होता है वो आपका स्कूल होता है, कॉलेज होता है। और अगर यहाँ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए तो हमारे यहाँ लेबर फोर्स की कमी नहीं रहेगी। जो अभी आपको कौशल कम दिखता है लोगों में या मानव में, वो इस कारण से क्योंकि हम लोग उनको अच्छा से शिक्षित नहीं कर पाते हैं। कहता है इसे प्राप्त करने के लिए कोई भी ईमानदार प्रयास प्रशंसनीय है। तो जो ईमानदार प्रयास बिहार सरकार ने किया है कि बीपीएससी के थ्रू यानी एग्जाम के थ्रू अब शिक्षकों की भर्ती होगी, ये एक प्रशंसनीय बात है, ऐसा ये कह रहे हैं। यानी अब आप कन्फर्म मान के चलिए कि विरोध प्रदर्शन जितना हो रहा है उससे आपको नहीं कुछ लेना देना है, बल्कि अब यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर है वो अब बड़े बदलाव की ओर बढ़ेगा और अब क्वालिटी एजुकेशन की बात करेगा। बाकी हम लोग भी शोर सशस्त्र संस्थान अपने स्तर पर आपके लिए एक बैच लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाया जा सके और ये जो चांस आपको मौका मिल रहा है ना उसको आप भुना सकें। इस बैच के बारे में जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।